नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त रामदेवा। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन के अधीन सेंट्रल सेक्रेटरिएट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया आयोजित, और इस अवसर पर इस भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से दर्जनों साथियों ने आकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आइए हम बातचीत करते हैं सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी माननीय घनश्याम चौहान जी से। घनश्याम चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मित्र लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री लाल बिहारी लाल जी। मैं घनश्याम चौहान, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से सभी देशवासियों को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर तहे दिल से बधाई देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि समस्त देशवासी आज़ादी के इस महोत्सव को अमृत महोत्सव को दिल से मनाएंगे और देश की उन्नति में, देश की प्रगति में, देश की शांति में, देश की एकता में अपना सहयोग देंगे। ये आज़ादी हमें हजारों हजार क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली है, आंदोलनों से मिली है। हमें इस आज़ादी की ये कोशिश करनी है कि हर एक तबके को, हर एक वर्ग को इस आज़ादी की खुशबू मिले। इस उम्मीद के साथ मैं सभी देशवासियों को आज़ादी की इस वर्षगांठ पर, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हजारों हजार बधाइयां देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। ये आज़ादी के अभी अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर घर में तिरंगा अभियान चलाया, और तिरंगा बलिदान और त्याग का परिणाम है। तिरंगा यूं ही तिरंगा नहीं बना है, तिरंगा को बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर तिरंगा अस्तित्व में आया है। और तिरंगे की तरह आप अनवरत देश के विकास में लगे रहिए। जिस तरह तिरंगा में चक्र अशोक चक्र लिया गया है, जो 24 तिलियां हैं, इसी तिलिये की तरह 24 घंटे आप देश के लिए सोचते रहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।